आज हम मसाला सैंडविच बनाएंगे। आलू का मसाला बनाने के लिए दो हमने आलू बॉईल कर लिए हैं, छीलकर हाथ से फोड़ लिए हैं। इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च, सूखा धनिया एक चम्मच और डालेंगे थोड़ा सा खटाई और एक हरी मिर्च काट लेंगे। थोड़ा चाट मसाला हो तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और डालेंगे हम इसमें सॉल्ट और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला। तो फ्राई करने के लिए हमने एक चम्मच ऑयल डालकर जीरा डाला है, 4-5 काजू डाले हैं क्योंकि सैंडविच बच्चों के लिए हेल्दी रहना चाहिए, तो हमने काजू किशमिश का इसमें यूज़ किया है। ये फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू, आलू जो हमने मसाले डालकर रखे हैं। आप इसमें हरा धनिया भी डाल दीजिए, कस्तूरी में मेथी हो तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो हरा धनिया तो ज़रूर डालना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। अगर आपके पास खटाई नहीं है तो चाट मसाले का यूज़ करें, और किचन किंग मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, इन्हीं मसालों से बहुत ही टेस्टी बनेगा आपका ये मसाला। और इनको आपको बस सैंडविच में भरना है। सैंडविच भरने के लिए आप नीचे ऊपर सॉस भी लगा सकते हैं, एक साइड में चटनी लगा सकते हैं, परंतु मैंने डायरेक्ट सिर्फ आलू का मसाला भरा है क्योंकि मैंने चटनी और सौंठ और दोनों तरह की चटनी सब अलग से दी है। ये देखिए हमने 4-5 किशमिश भी डाल दिए हैं जिससे कि ये हेल्दी रहे। आलू वैसे कहते हैं डायबिटीज़ वालों को नुकसान करता है या मोटे लोगों के लिए, परंतु जो सिंपल कोई भी बीमारी से ग्रस्त नहीं है उनके लिए तो कोई नुकसान नहीं करेगा। ये हमने मल्टीग्रेन ब्रेड लिया है मॉडर्न कंपनी की, इसी का हम सैंडविच बना रहे हैं। ये ब्रेड तो नुकसान भी नहीं करेगी और टेस्टी भी रहेगा। इसमें सब मिंगी वगैरह फ्लेक्स वगैरह लगे रहते हैं। ये देखिए हम मसाला इसमें भर लेंगे, क्योंकि ये फ्राई किया हुआ मसाला है तो सैंडविच ऐसे ही बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप चाय के साथ सुबह खाएं या शाम को, दोनों टाइम में खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगने वाला नाश्ता। बच्चों के नाश्ते में भी रख सकते हैं, स्कूल कॉलेज में भी ले जा सकते हैं, और बाहर हम अगर ट्रैवलिंग में कहीं जा रहे हैं तो बनाकर लेके जा सकते हैं, ऑफिस में भी लेके जा सकते हैं। एक हेल्दी फूड अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। हमने सैंडविच टोस्टर में इनको सेक लिया है। ये देखिए मैंने ग्रीन चिली सॉस, ग्रीन चटनी और हमने रखी है टोमेटो सॉस। आप सौंठ का भी यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए स्कूल में रख रहे हैं तो आप आलू का मसाले में ज़्यादा मिर्च नहीं डालें और घी में फ्राई करें या बटर में फ्राई करें। इतने टेस्टी होते हैं कि बच्चों को अगर जो सब्ज़ी खिलानी है तो आप इनमें भरकर दे सकते हैं, बच्चे बड़े स्वाद से खाएंगे। इसकर चीज़ और पनीर का भी यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए हेल्दी बनाएं और अच्छा खाएंगे बच्चे। मेरी अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करिए, तभी तो आप मेरी वीडियो देख पाएंगे आगे आगे।